आईपीएल के मौजूदा सीजन में अगर किसी खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है तो वो है यशस्वी जायसवाल, जिनके बारे में अटकलें लगने लगी हैं कि जल्दी ही ये भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने 13 मुकाबलों में 47.91 के औसत से 575 रन बनाए हैं, 4 हाफ सेंचुरी और 1 सेंचुरी उनकी शामिल है। और अब जो रूट, जो कि दुनिया के धाकड़ बल्लेबाज हैं टेस्ट क्रिकेट के, बेजोड़ बादशाह माने जाते हैं टेस्ट क्रिकेट के, उन्होंने एक तरह से यशस्वी जायसवाल को शानदार टैलेंट बताकर एक उनका बहुत बड़ा सम्मान किया है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि ये खिलाड़ी बहुत जल्दी अपनी भारतीय क्रिकेट टीम में जगह पाने में कामयाब रहेगा, डेब्यू करेगा जल्दी ही, क्योंकि इस खिलाड़ी में रनों की भूख है। और उनका कहना है कि, और सबसे अच्छी बात मुझे उनकी ये लगती है कि वो खुद पर उनका भरोसा है, ये जो रूट का ऐसा कहना है। हालांकि जो रूट उनके टीम मेट हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने उन्हें करीब से खेलते हुए देखा, जिस तरह से नेट्स पर वो प्रैक्टिस करते हैं, वो उसके उनके बहुत ही मुरीद बन गए हैं। उन्होंने कहा है कि इनमें सीखने की इच्छा है, जिस खिलाड़ी में सीखने की इच्छा होती है वो बहुत आगे तक जाता है, क्वालिटी ही क्वालिटी है इस खिलाड़ी में, टेस्ट में भी कोई कमी नहीं है। और ये इसमें टेम्परामेंट भी बहुत गजब का है, स्पिनर सामने आए चाहे पेसर सामने आए, ये स्पिन और सीम गेंदबाजी को बहुत अच्छे तरीके से खेलते हैं, दबदबा बनाकर रखते हैं अपना, और इनका इसके पीछे छिपा हुआ है उनका जबरदस्त कॉन्फिडेंस। उनका कहना है कि उनमें कॉन्फिडेंस बहुत अपार है, गजब का है। लेकिन साथ ही वो हंसते हुए ये भी कह रहे हैं कि एक टीम ऐसी है जब इनको भारतीय क्रिकेट टीम में मौका मिलेगा तो वहां ये रन नहीं बना पाएंगे, और वो टीम अगर उनसे पूछा गया कि कौन सी होगी तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि इंग्लैंड। जी हाँ, इंग्लैंड के खिलाफ ये रन नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इंग्लैंड से ताल्लुक रखते हैं जो रूट, और उन्होंने मजाक में ही उनकी खिंचाई भी कर दी। हम आपको याद दिला दें कि केकेआर के खिलाफ एक मैच में इन्होंने 98 रन की पारी खेली थी, नॉट आउट पारी खेली थी, हालांकि सेंचुरी मुकम्मल नहीं कर पाए थे, लेकिन 150 रनों का पीछा करते हुए 98 रन अगर कोई एक खिलाड़ी बना देता है तो वो उसे टीम की वन मैन आर्मी कहना ज्यादा सही होगा। उस मुकाबले में तो कम से कम यशस्वी जायसवाल जो है वन मैन आर्मी साबित हुए थे। उसके अलावा मुंबई इंडियंस के खिलाफ शानदार सेंचुरी बनाई थी, 124 रन बनाए थे केवल 62 गेंदों पर। और उसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ भी इस खिलाड़ी ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की, 43 गेंदों पर 77 रन की पारी खेली। तो इस तरह से उनके जो तेजी से बढ़ते हुए कदम हैं वो उन्हें भारतीय टीम की ओर जो है उसका रास्ता जाता है। जो रूट का कहना है कि अगर उनकी एक या दो शब्दों में कहा जाए या बहुत कम शब्दों में कहा जाए, सीखने की ललक से वो बहुत प्रभावित हुए, और स्पिनर्स और पेसर्स दोनों के खिलाफ वो बहुत अच्छा खेलते हैं, खुद पर भरोसा है उनका और रनों की भूख है उनमें, ये कहना है जो रूट का यशस्वी जायसवाल के बारे में। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।